आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार में कहां क्या हो रहा है, रखते हैं अपनी अनुभवी नजर और देखिए हमारी ये खास खबर। बिहार, बाढ़ और बदहाली से बेहाल है बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ का जायजा लिया। बताते चले कि पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्होंने तमाम सेवाओं और शिविर के साथ सुविधाएं और राहत देने का वायदा भी किया। आपको बता दें, इस दौरान नीतीश कुमार पटना, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया का हवाई सर्वेक्षण करते रहे। भागलपुर नवगछिया भी पहुंचे, शिविर का जायजा लिया, सड़क मार्ग से परवत्ता भी पहुंचे। जी हां, खगड़िया के परवत्ता भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गोगरी नारायणपुर बांध पर आश्रय लिए हुए बाढ़ पीड़ितों का हालचाल पूछा, सामग्री और वस्त्र वितरण किया। उपरांत नीतीश जी ने तटबंधों का निरीक्षण भी किया, जिला प्रशासन को कई निर्देश जारी किए। नीतीश ने कहा कि आपदा पर पीड़ित परिवारों का हक है और राज्य सरकार का जो भी आपदा खजाना है वह बाढ़ परिवारों के लिए ही है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक उन तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तो आप जानते हैं, हम लोग 2007 जो आपदा प्रबंधन के लिए काम किया और ये भी कह दिया कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है, उसको ध्यान में रखकर के सब तरह का इंतजाम किया जाता है। पहले कोई सोचता भी नहीं, आज हर तरह से इंतजाम किया जाता है कि कोई भी जो भी इलाका प्रभावित है वहाँ के लोगों को राहत देना है, उनको मदद करना है। इतनी परेशानी रहे हैं, 2016 में भी गंगा नदी का जल स्तर बहुत बढ़ा था, उससे थोड़ा कम, लेकिन फिर भी इस बार भी बहुत ज्यादा बढ़ा। वैसे तो हर साल कुछ न कुछ होता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। कई जगहों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन लोगों को राहत मिलना चाहिए, यही हम लोगों का देखना चाहता है, हर तरह से मदद। सीएम साहब, अफगानिस्तान में बिहार के कितने लोग फंसे हुए हैं? कोरचक्का, दुधेला, बुद्धनगर, लोनियाचक, नयावास, सुमही टोला, लक्ष्मीपुर, भरसो इत्यादि बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा कर उन्होंने कहा कि विस्थापितों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। आपको बता दें, गोगरी नारायणपुर तटबंध पर बाढ़ शरणार्थियों को आपदा प्रबंधन विभाग के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सरकारी मदद उपलब्ध कराने का निर्देश भी जारी किया गया है। बताते चले, नीतीश कुमार चल रहे राजकीयकृत उच्च विद्यालय भारतखंड में शिविर का जायजा लिया एवं स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने खराधार सुलिस गेट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों को लापरवाही न बरतने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के क्रम में कमिश्नर व जिला अधिकारी आलोक रंजन के अलावा जिला प्रशासन अधिकारी भी मौजूद थे। बता चले, डॉक्टर संजीव भी इस विधायक क्षेत्र के अवलोकन करने के क्रम में मौजूद रहे और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बाढ़ पीड़ितों का राहत पर और उनके पैकेज पर उनका पहला अधिकार है जिसे उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को तत्काल ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। खगड़िया जिले के तमाम क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचाने के लिए जिला पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया। खगड़िया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।